अस्सलाम वालेकुम हया, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह कुरत, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हया। मैं कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाई थी, तो मैंने सोचा मैं अपने चैनल, अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी एक छोटा सा व्लॉग हया के लिए बनाऊँ, तो हया एग्री कर गई। थैंक यू सो मच हया। तो इसके लिए अच्छा मैं हया से पूछती हूँ। कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैंने देखा है मीडिया पे लोगों ने हया से नहीं पूछे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पूछूँ हया से। बिल्कुल ठीक है हया, बताइए आपकी गाड़ी कौन सी है? मेरे पास मूव है डायहेट्सु की, जैपनीज असेंबल्ड कार है। अच्छा हया, आप क्या रिकमेंड करेंगी कि अगर लेडीज़ जो हैं वो कोई अपने लिए कार लेना चाहें तो एक इकोनॉमिकल वे में एक अफोर्डेबल कार कौन सी अच्छी होती है? यार मैं पता है क्या रिकमेंड करूँगी, देखो अगर अफोर्ड कर सकता है ना कोई तो जैपनीज गाड़ी में अफोर्ड मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट कर दे, क्योंकि ये बहुत बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि पाकिस्तानी गाड़ियाँ जो है ना काम निकालती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एग्जैक्ट। अच्छा है, आप दिन में कितने घंटे ड्राइव कर लेती हैं? और मुझे तो कभी कभी ऐसा भी दिन आ जाता है कि मैं सुबह 8 से रात 11:30-12 तक भी। चलो ठीक है, हम पूछ रहे थे यहाँ से चालान का है, क्या बता रही थी आप? चालान का बस यही था कि मैं एक दफ़ा क्या हुआ, एयरपोर्ट जिना एवेन्यू के पास से मैं गुजर रही थी, तो ये हुआ कि मैं उधर से मतलब येलो लाइट थी और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गई, तो फौरन ट्रैफिक पुलिस वाला मेरे पास आया। मैंने कहा हाँ मेरी गलती है, आई एम सो सॉरी। कहने लगा बाजी मैं आपका चालान नहीं काट रहा, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की और अपनी गलती एडमिट की। तो वो मुझसे बहुत खुश हो गया, कहने लगा ठीक है बाजी अगली दफ़ा, लेकिन मैं आपको वार्निंग दे के जा रहा हूँ अगली दफ़ा मैं आपका। अच्छा है, आपके नज़दीक सक्सेस क्या है? और सक्सेस जो अभी हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं ना कि हमें शोहरत चाहिए, हमें पैसा चाहिए, मेरे नज़रिए के मुताबिक मैं कहती हूँ कि ये सक्सेस और दौलत ऐसी चीज़ है कि जितना इसके पीछे भागोगे ये आपसे दूर जाएगी। एग्जैक्टली। तो मैं पता है मुझे रातों रात अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा फेमस किया कि मुझे मेरे पास कॉल्स आई थी कि हया तुम इतनी हिट हो गई हो हर जगह, तुम्हारा मतलब सोल ब्रदर्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कोई ख़वातीन की मैंने कभी सुना नहीं था कि कोई पोस्ट शेयर होती है, तो वहाँ तक मुझे मेरे कजन्स ने कॉल करके बताया कि हया तुम सोल ब्रदर्स पे तुम्हारी पोस्ट अल्लाह ने। तो मैंने कभी इसका कोई ड्रीम नहीं देखा था, या मैंने कोई फेम के लिए काम नहीं किया था, मैं अपने बच्चों के लिए काम करने निकली थी, बस वो अल्लाह पाक को मेरा हाथ पकड़ना था और मुझे आगे बढ़ाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चार लोग, मैं कहती हूँ चार लोग भी आपको जानते हैं ना तो बहुत बड़ी बात है, और आपको इज्जत से जानते हैं, इज्जत से आपका नाम लेते हैं, तो मैं कहती हूँ अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है। बेशक इज्जत सबसे बड़ा मैटर करती है ना है। अच्छा ये बताएं कि अभी आप ही ओनर हैं या आपके अंडर भी कोई काम कर रहा है, आप किस तरह मतलब इस जिस तरह आप अपनी कैब चला रही हैं तो कोई हेल्प कर रहा है, कोई टीम है आपकी, किस तरह आप कर रहे हो? नहीं गुरा अभी तो मैं लाइक माई ओन बॉस, मैं खुद ही काम कर रही हूँ और खुद ही मतलब मैं ये हाँ मैं जरूर करती हूँ कि अक्सर बहुत सारी लड़कियाँ मुझे कहती हैं मैं लगता है कि आपके बॉस आपके बाबा जानी मैं अपनी लाइफ की परेशानियाँ और सब चीज़ें शेयर ज़रूर करती हूँ, कोई मैं ज़रा सी किसी मुसीबत में आ जाऊँ या मुश्किल में तो मैं बाबा जान को ज़रूर अपने हर चीज़ में अपने अम्मी बाबा जान को रखती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ माँ बाप जो है ना अल्लाह ताला के बाद आपके लिए सबसे बड़ी नेमत है। मुझे लोगों से बड़ी शिकायत है सोशल मीडिया पे, मुझे इस तरीके से प्रमोट किया गया कि बेचारी औरत, तो मैं बेचारी औरत नहीं, बैड, मैं बेचारी औरत नहीं, औरत बेचारी नहीं होती है। और मैं सिर्फ इसलिए काम कर रही थी कि मैं अपने बच्चों को एज अच्छी जिंदगी, हाँ एज अ इंडिपेंडेंट मदर खुद ही उनकी सारा सपोर्ट सिस्टम बनूँ, और मैं उनके लिए इतना कम अज़ कम कर दूँ कि उनको एक क्वालिटी एजुकेशन दे दूँ, और मेरी इसमें कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह पाक करने वाला है। लेकिन मैं ये कह रही थी कि मैं मेहनत से दिल ना चुराऊँ, कल को मेरे बच्चों को भी पता चले कि बहुत मेहनत करने से इंसान के पास पैसा आता है। एग्जैक्टली। और बेचारी करके फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बात मुझे हया की इतनी ज़बरदस्त लगी कि मैंने किसी चैनल पर भी हया के मुँह से अपने लिए कोई इस तरह का पिटीनेस शो करना या अपने आप को बेचारी शो करना या अपने हस्बैंड की कोई बुराइयां करना अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदी ने कभी भी नहीं किया। क्योंकि मैं ये कुरा यकीन करो मेरी दिल से ख्वाहिश है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ ना तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पीछे कोई 10 बंदियाँ भी अगर यार मुझे देख के उनको मोटिवेशन मिले, और वो देख के यार हमारी इंस्पिरेशन हया फैसल थी और हम उनको देख के इतना, आप यकीन करो एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने मुझे कॉल किया, उसने कहा हया मैं बिल्कुल मरने जैसी मेरी हालत हो गई थी, और मेरी नज़र से अल्लाह पाक ने या तो दिखाना था कि तुम्हारी वीडियो मेरे सामने से गुजरी, और कह रही आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना होम्योपैथिक क्लिनिक मतलब दोबारा शुरू किया है। मैंने कही थी कि मैं तो मेरी ऐसी हालत थी कि मैं उठती और एक दो दिन के अंदर मैं सुसाइड कर लेती, वो मेरे लिए इतना, मेरे यकीन करो आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई कि अल्लाह पाक ने इतने लोगों को, इसके पीछे तुम्हें कितना अजर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। हम औरतों को हया जैसी औरतों से सीखना चाहिए कि जिंदगी जो है वो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने आप को मनवा सकते हैं। हया ने एक गाड़ी से अपने आप को मनवाया है और अपनी मेहनत से दिन रात ये मेहनत करती है, इसके बच्चे घर में इसका वेट कर रहे होते हैं, फिर ये अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देती है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाती है, तो हया तो एक मिसाल है। और हया 10 लोग क्या इंशाल्लाह 10 करोड़
लोग जो हैं वो आपसे इंस्पायर होंगे और इंशाल्लाह यहाँ भी ये कारवां जो है ना चलता जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा फ्यूचर का क्या सोचा है इसने हया ने? मैंने कुरा टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं सोचा फ्यूचर के बारे में, जो भी हो रहा है ना अल्लाह की तरफ से। कोई गोल सेट किया है? कोई गोल नहीं, मैंने 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 जिंदगी में हमेशा सोचा है कभी भी मैंने कोई गोल सेट किया ना वो अल्लाह की प्लानिंग कुछ और ही होती है। तो मैं अक्सर कभी सोचती थी कि यार मैं ये करूँगी, मैंने अपनी चीज़ें की और अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा कहा कि नहीं हया तुम ये करना चाहती हो लेकिन आपका अल्लाह आपके लिए इससे बेहतर। और मैं तो बहुत सारी अपनी लाइफ में चीज़ें सेट करना चाहती हूँ, अभी भी बहुत चीज़ों को लेके मेरा कुछ और ही दिल होता है, लेकिन फिर वो अल्लाह ताला मुझे जो है ना कोई और चीज़ ऐसी देके पूरा कर देते हैं कि मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह सब कुछ आपके ऊपर है, मैंने हर चीज़ आपके ऊपर छोड़ दी। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि आपका YouTube चैनल है, अपने YouTube चैनल के बारे में बताओ कि YouTube चैनल का क्या नाम है। और माशाल्लाह मैंने हया का जब हया राइट्स देखा YouTube चैनल तो इतनी जल्दी इसकी फ़ैन फॉलोइंग और सब्सक्रिप्शन, मतलब मेरा भी मैंने भी पेट पे पत्थर बांध के चैनल चलाया। इतनी आसानी से सब्सक्राइबर नहीं होता, कॉन्टेंट चाहिए होता है, और हया के चैनल पर इतने अच्छे कॉन्टेंट और इसको माशाल्लाह से व्यूज़ और सब कुछ इज्जत इतनी जिस तरह इसको हया राइट्स में मिली है इसी तरह इसको यूट्यूब चैनल पर भी उतनी ही इज्जत अल्लाह पाक दे रहे हैं। अच्छा उसमें मैंने ना थोड़े बहुत मैं अपनी फैमिली रिलेटेड ब्लॉग्स डालती हूँ कि मैं किस तरीके से मैंने स्टार्टअप लिया या कुछ भी थोड़े बहुत अल्लाह बल्ला फालतू चीजें भी डालती हूँ। फालतू तो नहीं है, सब बहुत अच्छी है। तो स्पेशली वो जो तुमने वो जो कस्टमाइज्ड बास्केट भी तुम बनाती हो ना, वो भी बनाती हूं, वो मैंने देखा है यार, वो ऑसम है। किसी को गिफ्ट देना है किसी बच्चों की बर्थडे में या तो इतनी जबरदस्त इतनी अफोर्डेबल ये बास्केट बनाती है, उसके बारे में बताओ। हाँ वो अक्सर मैं यकीन करो कुरा मैंने अनार भी बेचे हैं, मैंने डेट्स बेची हैं, मैंने अपने बच्चे पालने के लिए हर एंड तक मैं गई हूँ कि मैं कुछ भी कर लूँ, कि मतलब सिर्फ पैसे आना नहीं होता यार, मैं चाहती थी इज्जत के साथ। हाँ इज्जत के साथ, मैं क्यों किसी के आगे भीख मांगूं कि मैं मुझे चार पैसे दे दो। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह चार पैसों के लिए किसी की मोहताज नहीं हूँ, पहली चीज। अच्छा है ये बताओ कभी कार लगी थुकी? हाँ एक दफा लियारी एक्सप्रेसवे से मैं उतरी तो मेरे जो है ना वो ट्रॉलर जो था बड़ा सा उसने मेरी गाड़ी को हिट किया था पूरी अंदर पीछे से। हाँ पीछे से, तो वो 20-25 हजार का मेरा बड़ा नुकसान आ गया। तो वाइंड अप की तरफ जाऊंगी और काफ़ी टाइम ले लिया, हमें खाने पे भी जाना है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी हया कि अक्सर मैं सोचती हूँ हया जो है वो एक लड़की है, यंग लड़की है, ड्राइव करती है, रात भी हो जाती है, कभी इसके बाबा जानी इसके साथ होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो हया कभी डर लगा? शुरू में मुझे ना यार ये वाला फोबिया हो गया था कि मेरे बराबर में कोई भी बाइक आके खड़ी होती थी ना तो मुझे सबसे पहले तो स्नैचिंग का डर लगता है, स्नैच हो जाएगा मेरा फोन या कुछ। अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऐसा हो रहा है कि डर अल्लाह पाक निकाल रहे हैं, हिफाजत की दुआएं पढ़ के निकलती हूं। वैसे हया के पास लाइसेंस गन है ये तो बिल्कुल इसलिए जो भी जो है ना कैट कॉलिंग करे या स्नैचिंग की तरफ हया के पास है, हया जो है पूरी कमांडर है और ये सीखी हुई है सारी चीजें, तो ये जो है ना एक निकालेगी और ठा कर देगी यार ये तो इसके बाद लग रहा है सीखना पड़ेगा होना चाहिए यार जब हम तो लड़कियों की राइड लेती हो या लड़कों मतलब ज्यादा पैसेंजर तुम्हारे लेडीज होती है? मैंने जेंट्स का ऑप्शन रखा हुआ ही नहीं है कुरा मैंने। अच्छा जेंट्स का है ही? वेरी गुड वेरी गुड। लेडीज ये बता दो कि अगर किसी को राइड बुक करानी है हया राइड तो वो किस तरह बुक कराएंगे? मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो hya_faisal है, या तो वहाँ जाके मुझे DM कर सकते हैं या मेरे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे कॉल मैसेज करके प्री बुकिंग आप लोग करा सकते हैं। मैं राइड्स इस तरीके से लेती हूँ जिसमें आना जाना प्लस वेटिंग वाली राइड्स होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मतलब डेली कम्यूट वाला या कारपूल वगैरह नहीं करती, सिर्फ जैसे रेंटल बेसिस पे कुछ घंटों के लिए गाड़ी बुक होती है ना इस तरह से राइड्स करती। ठीक है, और कराची में कहाँ कहाँ है राइड्स जाती है? यार गुलशन से नियर बाय एरियाज में मैंने रखा था, गुलशन से किसी को DHA जाना हो या मतलब मलीर कैंट वगैरह जाना, और भी मतलब मेरे उस पे पोस्टर पे मेंशन है जगह है ना। अच्छा तुम्हारे पेज पे सारी डिटेल्स? जी जी सब डिटेल्स आपको मेरे पेज से मिल फोन नंबर वगैरह सब उस पे पिक एंड ड्रॉप है या फैसल पे है। और एक डिटेल्ड वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी फर्स्ट डाली हुई की किस तरीके से क्या है का यूट्यूब जो है वो हया राइड्स है, जिस पे आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट करना और बताना है कि मेरे चैनल पे भी वीडियो चलेंगी व्लॉग, और हया का अपना व्लॉग होगा इंशाल्लाह, वो दो डिफरेंट व्लॉग्स होंगे इंशाल्लाह। तो हया ने मेरे चैनल से रिलेटेड मुझसे
सवाल जवाब किए हैं, तो मेरे बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको हया के चैनल पे जाना पड़ेगा, और हया के बारे में जानना है तो मेरी ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम किसी से कम नहीं है और हम अगर चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी यंग, माशाल्लाह 4 बच्चों की माँ है, अपने बच्चों को भी टाइम देती है और इज्जत और आबरू के साथ अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए रवा दवा है। हर रोज़ इस अज़म के साथ निकलती है कि मैं आज भी अपना अपने आप को मनवा के आऊँगी, और इसके माँ बाप को और हम सबको हया के ऊपर बहुत नाज है और बहुत फख्र है। जज़ाकअल्लाह कुर्रतुल्ऐन, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज ना करे, आप अपने बच्चों की बहुत खुशियाँ देखें। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच है हया, आपका आपने मुझे इतना प्रेशियस अपने टाइम दिया, क्योंकि आपकी अभी राइड भी है, आगे भी आपको राइड पे जाना है, बुकिंग हुई भी है आपकी, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन जो वादा था कि एक नाच सुनाएंगी तो वो वादा पूरा कर बिल्कुल मैं सुना दूँगी। बिल्कुल जुनेद जमशेद की, जो कि मेरे फेवरेट है, मैं कहती हूँ कि मुझे उन जैसा कोई लगता नहीं है, मतलब अच्छे लोग दुनिया से जल्दी चले जाते हैं ना, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए मैं उनकी एक नाच पढ़ लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उमम, कर दे मेरे आकाब नजरे करम, मैं तो भी सहारा हूँ दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐशा है उमम, कर दे मेरे आकाब नजरे करम, गम के अंधेरों घेरा हुआ है आका दुश्वार, बजीना मेरा हुआ है, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐशा है उमम, कर दे मेरे आकाब नजरे करम। जज़ाकअल्लाह वेरी नाइस हया, ये तो टैलेंट अब मेरे सामने, तो भी मुझे पता था हया नात पढ़ती है, इतनी अच्छी नात पढ़ती है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, और बहुत जल्द हया को आप टीवी पे जो है ना नात पढ़ेंगे, इसको ऑफर्स आनी शुरू हो जाएंगी कि इतनी अच्छी माशाल्लाह से इसकी आवाज़ है और इतनी अच्छी नात है। थैंक यू सो मच हया, आगे हम इंशाल्लाह जाएंगे अपना कंटिन्यू करेंगे अपने व्लॉग को, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक तुम्हें और अच्छा अच्छा कॉन्टेंट बनाने के, तुम रवा दवा रहो, अल्लाह पाक तुम्हारी सब मुश्किलें आसान करें, मेरी बहुत दिल से दुआ है, प्लीज़ सब लोग सपोर्ट करें कुर्रतुल्ऐन के चैनल को, टेन मेरी आप लोगों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कुर्रतुल्ऐन के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना। थैंक यू सो मच, और हया राइट्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब हम दोनों आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हया राइट्स तो मेरी पक्की हो गई है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हां, क्या पता हम कोई और नई जगह भी रिवील कर रहे हो, आप लोग कहीं दिख रहे हो, डन है यार, डन है, ये तो डन है बस। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Thank you.